तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि AI फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर फोटो को देख सकते हो, कितने लाजवाब फोटो ये दिखाई दे रहा है और इसको मैं इस तरीके से एडिटिंग भी कर सकता हूं। बिल्कुल आप लोगों के साथ यहाँ पे आप लोग एक बार और दिखाए तो आप लोगों के साथ यहाँ पे इस फोटो को भी देख लीजिए और इसको मैं आप लोगों के साथ इस तरीके का भी आप लोगों के साथ यहाँ पे AI की मदद से एडिटिंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग एक मैं प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए DM एडिटर का किस तरीके से ये फोटो एडिटिंग करते हैं। काफ़ी लोग का कमेंट आता है कि भैया इस तरीके का आप लोग किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन आप लोग को सच्चाई कोई नहीं बताता है। तो मैं लेकर आ चुका हूँ सच्चाई बताने के लिए। दोस्तों मैं आपको पहले भी आप लोगों को डेमो फोटो दिखा दिया और फिर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये DM भाई ने फोटो वो एडिटिंग करते हैं। बिल्कुल आप लोगों को फ्री में बताऊंगा और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग पूरा वीडियो को फुल वॉच करना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब लाजवाब फोटो आप लोगों के साथ यहाँ पे लग रहा है। सेम आपको भी मैं आप लोगों को इसी तरीके का एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना होगा कि इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो देख सकते हो कितना AI की मदद से ये मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। दोस्तों बिल्कुल आप लोगों के साथ यहाँ पे बिल्कुल रियलिस्टिक आप लोगों के साथ एडिटिंग करके मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करना होगा कि इस वीडियो को आप लोगों में बार बार बोलूँ कि आप लोग फुल वॉच करना होगा, नहीं तो आप लोगों से नहीं बनेगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐप का नाम क्या है चलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको एडिट फोटो पे आप लोग क्लिक करना है। ऊपर आप लोग एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट फोटो का, तो दोस्तों आप लोगों को एडिट फोटो पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है तो यहाँ से अपने गैलरी से आप लोग कोई सा भी आप लोग अपने फोटो को ले लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ से कोई सा भी आप लोगों के साथ यहाँ पे फोटो को ले लेता हूँ। तो थोड़ा वेट करने के बाद आप लोग फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं कोई सा भी फोल्डर से यहाँ पे अपने फोटो को यहाँ से ले लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ प्रॉब्लम आने वाला है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं साथ सॉल्व करके दूंगा। तो ये देख सकते हो ये फोटो मेरा है, तो इसको मैं ले लेता हूँ दोस्तों। तो इसी फोटो को मैं एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो पूरा मतलब यहाँ पे परफेक्ट फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आप लोग AI फिल्टर्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपल दोस्तों इस पर आप लोग टाइप करना होगा और जैसे ही आप लोग इस पर टाइप कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे खुल के मतलब फिल्टर आ जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका कौन रहेगा और सबसे ज़्यादा बेस्ट फिल्टर आप लोग कौन रहेगा, तो इसमें से आप लोग बहुत सारा यूज कर सकते हो। लेकिन आप लोग मैं बताता हूँ आप लोग किसको यूज कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेटर आप लोगों के साथ यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक बार मैं दूसरे वाले को सिलेक्ट करके आप लोगों के साथ यहाँ पे दिखाई देता हूँ, लेकिन आप लोग तीसरे वाला जो है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये फोटो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे लजवाब यहाँ पे लग रहा है। दोस्तों थोड़ा सा भी वेट करने के बाद आप लोगों के साथ यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा रियलिस्टिक आप लोगों के साथ यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए ऊपर आप लोगों को डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी आप लोगों को सही के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप लोग सही के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो सिंपल आप लोग सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिएगा यहाँ से। और उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे फेस चेंज हुआ है। तो उसको आप लोग फेस को कैसे लाना है आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फेस चेंज हो जाएगा, इसके लिए आप लोग माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊँगा कि सॉल्व कैसे किया जाता है फेस को, अपने रियलिस्टिक इस तरीके से ला सकते हो। तो इसमें से आप लोग क्या करना है कि आप लोग देख सकते हो दूसरे वाले को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दूसरे वाले फिल्टर को ले रहा हूँ। देखिए कितना लाजवाब आप यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग को रियलिस्टिक आप लोग के साथ यहाँ पे लग रहा है। अब तीसरे वाले को भी लेंगे तो और ज़्यादा यहाँ पे बेटर आप लोग के साथ यहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे बेटर आप लोग के साथ यहाँ पे फोटो लग रहा है। इसको भी आप लोग उस तरीके से डाउनलोड करना है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से आप लोग पाँच मतलब यहाँ पे पाँच लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो पांच लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो थ्री पे आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा कि आप लोगों का फोटो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा क्वालिटी लो हो चुका है, लेकिन आप लोग फाइव पे आप लोग क्लिक करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा आप लोग को हार्ड होगा, लेकिन आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग फोर ही पे आप लोग रखिएगा, क्योंकि फोर ही पे आप लोग को अच्छा लगेगा। इतना पर रख के और ऊपर आप लोग सेव का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा डन के, और उसके बाद ऊपर आप लोग को सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको आप लोग को सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फेस को किस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। देखोगे किस तरीके से यहाँ पे फेस मतलब चेंज हो चुका है, लेकिन आप लोगों को फेस को रिकवरी कैसे करना चाहिए मैं आपको बताते हैं। इसके लिए आप लोग पिक्सेट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ से आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जिस फोटो को आप लोग अभी डाउनलोड किया उस फोटो को आप लोग ले लीजिएगा। और फिर से आपको क्या करना है, इधर आना है और इधर आने के बाद आप लोग को एंड फोटो का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने आपका गैलरी खुल के आ जाएगा। तो आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है और जो आप लोग का मतलब पहले का फोटो जो आप लोग को एडिटिंग नहीं किया उस फोटो को आप लोग को लेना है। जैसे कि इस फोटो को मैंने लिया और इसको आप लोग को पूरा जूम कर लेना है। देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पूरा फुल जूम करना है और ऊपर आप लोग को इरेज बटन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इन्वर्ट करना है और यहाँ से अपने मतलब चेहरे पे कुछ इस तरीके से आप लोग को ड्रॉ करना है। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम आपको भी इसी तरीके से अपने हाल को हाथों से आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फेस रिकवरी हो जाएगा। देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा फेस यहाँ पे रिकवरी हो रहा है। सिंपल तरीका है दोस्तों, आप लोग वहाँ से जनरेट कीजिएगा एआई की मदद से। और बिल्कुल आप लोग को मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूँगा, आप लोग इजीली उस लिंक पर क्लिक करके और उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल आप लोग का आसान प्रोसेस है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो जाइए अभी आप लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर आप लोग क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को एडजस्टमेंट भी करना है। इसके लिए आप लोग क्या करना है कि यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा आपको फेस को यहाँ पे एडजस्ट करना है। कंट्रास्ट को हल्का सा आप लोग अपने मतलब बैकग्राउंड और कपड़े के हिसाब से आप लोग अपने चेहरे को रखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सेम आप लोग इस तरीके से करके आप लोग रख लीजिएगा। हाईलाइट को भी आप लोग थोड़ा सा माइनस कर दीजिएगा और शेडो को भी आप लोग थोड़ा सा ही माइनस रखिएगा क्योंकि अपने फेस को मिलाना है दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा आप लोग प्लस ही रखिएगा और यहाँ पे टेम्प को हल्का सा इंक्रीज कर दीजिएगा अपने बैकग्राउंड के साथ, यहाँ पे मिल गया। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप लोग को डन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो किस तरीके से फेस रिकवरी हो चुका है। तो इसको आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है चलिए मैं आपको बता दें। फुल HD क्वालिटी में आप लोग इसको डाउनलोड कैसे कर लीजिएगा, यहाँ पर ड्रॉ वाले टूल पे क्लिक करना होगा और ऊपर आप लोगों को 3 डॉट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंपल आप लोग इस पर टाइप कीजिएगा सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों जाइए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर आप लोग क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है फोटोलिप, आप लोग बहुत ज़्यादा यूज कीजिए।